क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? इंटरनेशनल एजेंसीज, क्या अनिल कपूर करेंगे लुक रिक्रिएट? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूं अंकिता। मिस्टर इंडिया चले विदेश, जी हां, मिस्टर इंडिया का फॉरेन टूर शुरू होने वाला है दोस्तों। अब आप भी याद कीजिए, जब अक्सर बचपन में पूछा जाता था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप में से बहुत के जवाब होता था पायलट। और ये पूछे जाने पर कि पायलट ही क्यों बनना है, आप में से आधे लोग यही जवाब देते थे कि दुनिया देखनी है इसलिए। मगर आजकल के महंगाई के जमाने में, जहां प्लेन के टिकट्स महंगी है और घूमना तो उससे भी ज्यादा महंगा, और उस जमाने में अगर आपको हम छुपके से विदेश ले जाएं, तो क्या आप खुश नहीं होंगे? हमें माफ करना दर्शकों, हम तो ये इच्छा आपकी पूरी नहीं कर सकते, मगर मिस्टर इंडिया अपने मस्त अंदाज में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। इंडिया के पॉपुलर इनविजिबल मैन यानी कि मिस्टर इंडिया गायब होकर विदेश में इस बार आपको दिखेंगे। नहीं नहीं, उनका घूमने का मन नहीं हुआ है, मगर एक केस को सॉल्व करते करते मिस्टर इंडिया पहुंच जाएंगे यूएसए। मिस्टर इंडिया दरअसल विदेश में भी इंडिया का नाम रोशन करने जा रहे हैं। मूवी के प्लॉट में उनके पास एक खास इन्फॉर्मेशन होगी जो वो खुद ही इंटरनेशनल एजेंट्स को देना चाहेंगे, मगर हमारे मिस्टर इंडिया ठहरे गरीब, वो कहां से ही ये टिकट अफोर्ड कर पाएंगे। इसलिए ही मूवी में मिस्टर इंडिया आपको अपनी गुम होने वाली ही शक्ति से यूएसए जाते हुए दिखेंगे। इसका साफ मतलब यही है कि इस बार की टीम यूएसए शूटिंग शेड्यूल रखेगी, जिसकी वजह से आपको अमेरिका की हसीन वादियों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मस्त से बीचेस भी देखने को मिल सकते हैं। मगर गौर करने वाली बात यही है कि मूवी में मिस्टर इंडिया जाएंगे फॉरन, उनके पास जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी इसे वो किसी को भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इस स्पेशल मीटिंग की वजह से खास प्लान में छुपकर मिस्टर इंडिया पहुंच जाएंगे फॉरन। अब ये इन्फॉर्मेशन जाहिर सी बात है होगी मॉडर्न मोगैम्बो के लिए ही। इस बार मोगैम्बो को क्रिमिनल दिखाने वाले हैं मेकर्स, इसीलिए ही इस फॉरन के प्लॉट को लेकर आना मेकर्स के लिए आसान होगा। जहां मोगैम्बो की तलाश इंटरनेशनल पुलिस को होगी, वहीं मिस्टर इंडिया ऐसे ही इंटरनेशनल एजेंट्स को मदद करेंगे मोगैम्बो तक पहुंचने के लिए। मिस्टर इंडिया का ये फॉरेन टूर बड़ा मजेदार होगा, क्योंकि मिस्टर इंडिया को इंग्लिश जो नहीं आता है, ऐसे में टूटी फूटी इंग्लिश में ये इनविजिबल मैन कितनी दिक्कतें खड़ी करते हैं यूएसए में, ये जरूर ही देखने लायक होगा। बिल्कुल ही इंडियन अंदाज में विदेशियों को चौंका देंगे मिस्टर इंडिया। अब गायब होके क्या क्या मस्ती करेंगे, ये ऑब्वियसली देखने की बात है, मगर हम तो मॉडर्न मोगैम्बो को भी देखने के लिए खूब एक्साइटेड है। अगर अमरीश पुरी की जगह कोई और लेने वाला है, वो काबिल हो तो ही अच्छा है, वरना इस मोगैम्बो के लिए मीडियोकर एक्टिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, मिस्टर इंडिया को फॉरेन की ट्रिप तो मिल रही है, तो क्यों ना अब उनके लुक की बात कर ली जाए। क्या मिस्टर इंडिया पहनेंगे जापानी जूता, या मिस्टर इंडिया पहनेंगे इंग्लिस्तानी पतलून? नहीं नहीं, मिस्टर इंडिया यानी कि अनिल कपूर करने वाले हैं ओरिजिनल मिस्टर इंडिया का ही लुक क्रिएट। जी हाँ दोस्तों, अनिल कपूर उसी लोकल जैकेट, टोपी और जूतों में दिखेंगे, जैसा कि उन्होंने इससे पिछले पार्ट में किया था। जरूर से ही वो यूएसए जाने वाले हैं, मगर दिल उनका हिंदुस्तानी ही रहेगा। मेकर्स उनके लुक को ज्यादा नहीं बदलना चाहते हैं। मेकर्स के हिसाब से मिस्टर इंडिया का लिबास ही उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अब अगर उन्हें भी हाई फाई दिखा देंगे तो ऑडियंस रिलेट किससे करेगी, इसलिए अनिल कपूर का लुक इस बार भी लोकल मार्केट से ही लिया जाएगा, जिसके लिए खुद अनिल कपूर भी खूब एक्साइटेड है। हाँ, प्रोड्यूसर्स के पैसे बचेंगे वो अलग, लेकिन मूवी को ओरिजिनल के जैसे रखने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। फिर चाहे यूएसए हो या फिर इंडिया, अनिल कपूर का लुक तो होगा ही पहले जैसा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।